हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ की गोरखपुर धाम की निताई गौर प्रेमानंदे। समय का सही उपयोग करते हुए एक बार फिर भगवान के नामों को उच्चारण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। सभी विद्यार्थियों से भी मेरा निवेदन है कि जितना भी समय उनके पास है उतनी देर कथा श्रवण करके जाएं, जितनी देर की अनुकूलता है उतनी देर पंडाल में बैठ के प्रभु जी से कथा श्रवण करें। हरे आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोदेष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो बंदो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैत गदा।
सदाधर श्रीवासदी गौरव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतं श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति हरे कृष्ण धन्यवाद। तो जैसा श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के पहले दिन से थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि हम लोग वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु करीब 500 साल पहले बंगाल में प्रकट हुए और उस समय उन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की, जिसके अंतर्गत यहाँ पे आपके गोरखपुर धाम में भी सुबह सुबह 3 प्रभात फेरियां निकलती हैं। मैंने पिछले 2-3 दिनों में लगभग सभी प्रभात फेरी जाके देखी हैं, सम्मिलित हुआ हूँ हमारे कीर्तन वाले भक्त जो स्पेशल सारी दुनिया से आए हुए हैं, इन सब के साथ में हम प्रभात फेरियों में गए और अपनी तरफ से और इनकी तरफ से भी मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों को ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इतनी सुबह सुबह इतनी अच्छी मात्रा में आप लोग साथ में आके हरिनाम संकीर्तन सड़कों पे करते हैं और लोगों को बहुत से जागे हुए और बहुत से अभी तक नहीं जागे हुए होते उनको भी उनके घर तक हरिनाम पहुंचा के आते हैं। हरी नाम की होम डिलीवरी, खाली पिज्जा ही नहीं है इस शहर में जो फ्री डिलीवर होता है डोमिनोज वाला, हरी नाम की भी फ्री डिलीवरी। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन 500 साल पहले शुरू किया हुआ है और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी की थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ, वो बंगाली भाषा बोलते थे और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने भविष्यवाणी की, पृथ्वी बीते अच्छे यात्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइ दे मोर नाम।
हिंदी में इसकी अनुवाद है कि इस पृथ्वी पर हर नगर और हर गांव में हरि नाम का प्रचार होगा। हरि नाम संकीर्तन की। लेकिन उसी समय चैतन्य महाप्रभु को लोगों ने पूछा, क्या आप वास्तव में सारे विश्व की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं सारे संसार की बात कर रहा हूं। ये पूरा भूलोक, पूरी पृथ्वी, तो लोगों ने पूछा ये कैसे होगा? ये सारी पृथ्वी के हर नगर और हर ग्राम में हरि नाम का प्रचार कैसे संभव होगा? तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया था कि मेरे लगभग 500 साल बाद इस संसार में एक बहुत महान सेनापति का जन्म होगा और वो सेनापति ऐसी सेना बनाएगा जो सारे संसार में हरि नाम का प्रचार करे। वो सेना की टुकड़ी की एक छोटी सी झलक आप यहां स्टेज पे देख रहे हैं, मेरे अलावा बाकी ये सब लोग, हो सकता है मैं भी ये सेना में। और यहां पे कितने लोगों को सेना में भर्ती होना है, हरि नाम की सेना में? आप लोगों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने ही शहर में कम से कम 3 प्रभात फेरियां सुबह को अपने सिंघानिया जी के नेतृत्व में अलग अलग जगह पे निकाली जाती है। और कल आज रात का ये प्रोग्राम समाप्त करके कल सुबह को हमारी इच्छा है कि गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं, ये शहर छोड़ के जाने से पहले। तो सुबह को वहां पे हमारे सब भक्त और हरिनाम संकीर्तन का प्रोग्राम रहेगा। आप सभी लोगों को वहां आने का आमंत्रण है 7 बजे गोरखनाथ मंदिर, कल सुबह 7 बजे गोरखनाथ मंदिर है। प्रमुख या आधारशिला वाला विषय मेरी समझ में और कोई नहीं है, वो विषय ये है कि बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन एक समझदार व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि वास्तव में हम सब जेल में, कारागार में हम सब कैदी हैं। कितने लोग ये बात मानते हैं? इस समय गीता वाटिका में कैदी होने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां लोहे के गेट बंद है। ये सारा संसार एक बहुत बड़ी कैद है जिसके अंदर हम कैद है। कितने लोग ये बात मानते हैं? कितने लोग ये बात नहीं मानते? बहुत से लोग ये बात नहीं मानते, और अगर मानते भी हैं तो ऊपर ऊपर से, अंतर मन से ये बात ना मानते हैं और ना समझते हैं कि वास्तव में हम जेल में हैं। क्योंकि जो माया है ये हमें ये सोचने में मजबूर कर देती है कि अरे मैं जेल में नहीं हूं, स्वर्ग का राजा, लेकिन तेरी प्रवृत्ति बिल्कुल सुअर के जैसी है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 2 वर्ष के लिए पृथ्वी पे
सुअर का जन्म लेगा। महर्षि का श्राप अमोघ था, 2 वर्ष के लिए महाराज इंद्र को पृथ्वी पे सुअर का जन्म लेना पड़ा। लेकिन इंद्र महाराज के ऊपर ब्रह्मा जी होते हैं और जो ऊपर का अधिकारी है उसके नीचे वाला अधिकारी अगर गायब हो जाए तो उसके लिए काम ज्यादा हो जाता है। तो ब्रह्मदेव ये प्रतीक्षा कर रहे थे किस दिन 2 साल पूरे हो इंद्र वापस आके अपना काम संभाले, जिससे कि मुझे इंद्रदेव का काम की चिंता नहीं करनी पड़े। तो जैसे ही 2 साल पूरे हुए ब्रह्मा जी स्वयं पृथ्वीलोक पे आ गए और ढूंढा कि ये कहाँ है। सुवर के रूप में इंद्र, और जैसे ही वो आत्मा उन्हें सुवर के रूप में मिल गई, क्या हो यही है, चलो इंद्रदेव अब आपका श्राप का समय समाप्त हो गया है, अब छोड़ो ये सुवर का जीवन और जाके स्वर्ग में अपना राज्य संभालो, अपना सिंहासन, स्वर्ग के राजा का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया। वो इंद्र रूपी सुवर ने क्या कहा, हाँ हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूं। अरे मैं ऐसे कैसे जा सकता हूं, यहां देखो मेरे चारों तरफ ये जो सब विष्ठा है ये बहुत स्वादिष्ट भोजन है, और वो जो उधर घूम रही है मटकती हुई वो पत्नी है मेरी, ये सारे जो इधर छोटे मोटे घूमते नजर आ रहे हैं सब मेरे पुत्र हैं पुत्रियां हैं, ये सब मेरा परिवार है, ये सब छोड़ के कैसे चला जाऊं। इंद्रदेव ने स्वर्ग का राजा बनना अस्वीकार कर दिया, क्यों, मोह माया उसमें डूबे थे। वास्तव में जो विष्ठा है वो उसको स्वादिष्ट भोजन नजर आ रही है। कभी किसी ने देखा है किसी सुअर को खाते हुए, बिल्कुल आनंद आप देख सकते हो। लेकिन मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं नहीं ऐसा कह रहा हूं लेकिन शास्त्र ऐसा बताते हैं कि वास्तव में किसी हद तक हम सब की हालत वही है। जो कुछ अच्छा मिलता भी है, मिल भी सकता है, तो भी स्त्रियां ज्यादा मानने के लिए तैयार है कि हम जेल में, तो बाद में पूछ लेना नारायण महाराज है यहां बताने के लिए, और भी मेरे से भी आके पूछ सकते हैं, अभी कोई शंका रह गई हो तो। इससे निकल के आने वाला प्रकाश ये ब्रह्म ज्योति है, ये ब्रह्म ज्योति एक तरह से भगवान का निराकार स्वरूप है। तो जो लोग निराकारवादी हैं वो केवल इस ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, उसको मानते हैं,
और उनके हृदय में यही इच्छा है कि मैं किसी तरह से ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो कोई भी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है वो बहुत समय तक ब्रह्म ज्योति में नहीं रहता। क्यों? ब्रह्म ज्योति वास्तव में ये संसार सागर से बाहर है, अभोग है, सनातन है। जो वहां जाए उसको वापस आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वहां नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वहां प्रकाश के अलावा और कुछ है नहीं, केवल प्रकाश। और कभी कभी आपको जाने अनजाने में परमात्मा के दर्शन भी हो सकते हैं। परमात्मा का स्वरूप आप लोगों ने सबने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, लेकिन शायद जानते नहीं हो कौन सा स्वरूप कौन सा है। तो मैं बता देता हूं, आपने कई जगह एक ऐसी पिक्चर देखी होगी कि भगवान विष्णु अकेले खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े, और वो एक कमल के फूल के ऊपर विराजमान खड़े, वो परमात्मा है। तो वो परमात्मा, उनके बहुत से गुण हैं, वो कभी किसी से बात नहीं करते। आप बात करोगे भी तो जवाब नहीं मिलेगा। तो ब्रह्म ज्योति में जो लीन है उसको कभी कभी केवल परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, परमात्मा से बात भी नहीं होगी। उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, उनके साथ बात करना, उनके साथ कुछ भी करना संभव नहीं। तो वहां पे गया हुआ जी कुछ समय के पश्चात ये बात से परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ करने को नहीं है। ना यहां मेरा मेरे पतिदेव है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी सास है और ना मेरी बहू, और कुछ भी करने का नहीं। अपने लिए भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि भूख नहीं लगती वहां, वो अमोघ स्थान है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अमोघ स्थान होने की वजह से जैसे ही किसी के मन में ये इच्छा आए कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, वो फौरन वहां से निकल जाए, क्योंकि वो स्थान जेल से बाहर है। वहां पे कोई परातंत्र नहीं है, वहां पे स्वतंत्रता है। जैसे ही हमारे मन में ये ख्याल भी आया, अरे इससे तो मैं बेटर पृथ्वी लोक पे था, चाहे सास कभी कभी दो गाली दे देती थी लेकिन फिर भी अच्छी थी बेचारी, जैसे ही कोई ऐसा ख्याल आया बस ब्रह्म ज्योति से वो जीवात्मा फौरन वापस मृत्यु लोग आ जाए। इसलिए बहुत से लोग जो निराकार की उपासना करते हैं, निराकार को प्राप्त करने के बाद भी बहुत समय तक निराकार भी नहीं रहते, वापस इस संसार सागर में आ जाते। उसके अलावा दूसरे परमात्मवादी, जो परमात्मा की पूजा करते हैं। ये शब्द ध्यान रखना, हम लोग हिंदू लोग ये शब्दों को इधर उधर कहीं भी यूज कर लेते हैं,
लेकिन ये परमात्मा जो शब्द है ये भगवान विष्णु के उस स्वरूप का नाम है जो अभी हमने वर्णन किया। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विष्णु भगवान एक कमल के फूल पे खड़े हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते, किसी को जवाब नहीं देते, वो केवल दृष्टा है। भगवत गीता में बताया गया है, भगवान कहते हैं कि मैं दृष्टा के रूप में हर किसी प्राणी के मन में मौजूद हूं। दृष्टा के रूप वो परमात्मा का स्वरूप है। तो अगर जो हमें परमात्मा की प्राप्ति की हो जाती है तो वहां पे जाके वो जीवात्मा बोर हो सकती है, कह रहे यहां तो मेरे करने का कुछ नहीं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि सर्वोत्तम प्राप्ति भगवत प्राप्ति। अभी भगवत प्राप्ति में भी बहुत सारे प्रकार हैं, यहां से लेके ऊपर 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 ऊपर, लेकिन आज उस सब में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर उस सब में चले गए तो फिर आज उतना ही हो पाएगा। अभी एक थोड़ा सा भजन गा लें फिर उसके बाद और बताएं। चले आएंगे बिहारी, मेरी गंगा तो धार है बिहारी।
Oh,
घन श्याम राधे राधे चले आजे घन श्याम राधे राधे जने भी राधे घन श्याम राधे राधे जने भी राधे घन श्याम राधे राधे घनश्याम।